भाई हमें 21 का मुआवजा तो मिल गया, 22 का पेंडिंग, हम चाहते हैं कि वो भी जब दिया जाए। साथ में जब स्टार्टिंग हुई थी प्रोजेक्ट की, तब तीनों पंचायतों को दिया गया था कि भी हम आपको प्रभावित एरिए में लिए लेंगे, परंतु आज उनसे वंचित किया गया। हम यही गुजारिश करते हैं कि तीनों पंचायतों को इसमें सम्मिलित करें। जो आपको मुआवजा मिलना है उसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है या होनी है? ये तो एज पर साहब उन्होंने तो जो हमें बताया कि ये एज पर पैटर्न 21 का ही मिलता है, हो सकता है थोड़ा सा इसमें कुछ पर एज पैटर्न वो ही ट्रांगला और ब्राज तीन पंचायत के लोग जितना भी हमारा क्षेत्र से जो नुकसान इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है, जो भी हमारे किसान बागवानों की समस्याएं हैं, मांगे हैं, इसमें कुछ प्रभावित पंचायतों को मुआवजा मिलना है और कुछ नई पंचायतों को जैसे दलित प्रांगला और ब्राज पंचायत को इसमें एड ऑन करना था, उसको लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है ताकि ये जो हमारी प्रांगला और ब्राज पंचायत छूट गई है, दलित पंचायत ऑलरेडी इफेक्टेड जोन में आ गई है, तो यहाँ पर जो किसान लोग हैं जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो हमारे सेब बादाम आड़ू, तो इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए और उचित और दिलट क्या नाम ट्रांगला और ब्राज को इफेक्टेड जोन में डाला जाए, इस विषय को लेकर हम यहाँ मिले और जो बैलेंस मुआवजा जो कुछ पंचायतों का रह गया है बरकेली का या दिलट का, उनको भी जल्द से जल्द जारी करने के लिए हमने एस टी एम साहब से गुजारिश की है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो समस्याएँ हैं उनको लेकर शासन गंभीर होगा। ज़्यादा ना कहते हुए जैसे इसको लेकर जो काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब तो दूसरा वो भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जैसे लेट लतीफी हो रही, तो इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, प्रोजेक्ट हमेशा ये चाहता है कि जितना इसको देरी से डिले किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट में कभी भी किसान बागवानों को इनकी आवाज़ों को इतनी आसानी से तवज्जो नहीं दी है, तो इसके लेके यहाँ के जो किसान बागवान थे वो धरने पर भी बैठे और उसके फलस्वरूप हमारी दिलट की जो पंचायत है इफेक्टेड जोन में भी आई हैं। अब इसको लेकर जो हमारा इफेक्टेड जोन को लेकर दो पंचायतें छूटी हैं, उसके लिए भी हम संघर्षरत हैं और गवर्नमेंट नई जो हमारी सरकार बनी है हम उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि यहाँ की जो किसान बागवान हैं उनको इसका उचित फायदा मिल सके।